आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मैं आप सब से कुछ कहना चाहती हूँ। हम सब एक फास्ट पेस जिंदगी जी रहे हैं और हम सब का ख्याल रखते रखते ये भूल जाते हैं कि हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए, थोड़ा अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए और अपने आप को स्पॉइल भी करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप को आप प्यार कर सकोगे तभी दूसरों का प्यार कर सकोगे। तो मैं चाहती हूँ कि चलो हम सब एक हैबिट बनाए, एक प्रायोरिटी बनाए कि अपने आप के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें और अपने आप को पैम्पर करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर आपको इससे बेनिफिट्स मिल सके तो बहुत अच्छा रहेगा और आप भी इनको प्रैक्टिस कीजिए, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। तो चलिए हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सेल्फीज ले रही थी, बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है और लाइट बहुत ब्यूटीफुल है, मगर सिर्फ कैमरा के लिए स्माइल नहीं करना है, कैमरा नहीं हो तब भी स्माइल करना है और हमेशा स्माइल करते रहना है। मेरे हिसाब से जब आप किसी को देखते हो, किसी से बात करते हो, तो आंखों से मुस्कुराहट आनी चाहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। मैं तो सुबह उठकर अपने आप को आईने में देखकर स्माइल करती हूँ और कहती हूँ आज बहुत दिन अच्छा जाएगा। तो आप भी कीजिए, स्माइल एक फ्री थेरेपी है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज स्माइल एंड कीप स्माइलिंग। बॉडी मूव करना बहुत ज़रूरी है, हार्ट को पंप होना बहुत ज़रूरी है। तो गेट द बॉडी मूविंग, गेट द हार्ट रेसिंग, जिससे आपके हैप्पी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो आपको एक फील गुड फैक्टर महसूस होता है जिससे, और आपको उससे खुशी भी महसूस होगी। तो प्लीज़ आप बॉडी ज़रूर मूव कीजिए और अपने आप को खुश महसूस कीजिए, और उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और बॉडी फिट रहेगी, तो और क्या चाहिए आपको। Indulge in your palate. They also say that your diet is your bank account, so eat carefully, eat right. But hey, I sometimes think that what food pleases you and teases you is also enjoyable. So I'm going to have some yum Sindhi food. It's my favorite food. So here I am today and I'm going to eat my favorite, most fave Sindhi food. There is pulao, there is yummy pulao. And there is, it's called the onion pulao. And there is sai bhaji, Sindhi sai bhaji. And it has spinach, it has onions, and it has dal, it has tomato, it has ginger. It has a lot of benefits, and it is very rich in iron. And the icing on the cake is my antooks, which are deep fried. So hey, I'm indulging in my palate and I'm eating these fried aloo tooks which go with it, and some dahi with it. And I love eating this food. It's been my fave ever since, and it's really, really delicious and mouth-watering. And I love eating with my hands because they say that the energy that goes through your hands, it helps in your taste buds, it helps in digestion, it helps in a lot of things. So अपने आप को नीट रखिए, अपने बाल जब भी घर पे हो फेस के दूर रखिए, कपड़े नीट पहनिए, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। थोड़ा ड्रेस कर सकते हैं, मुझे पता है कि सब घर पे हैं, मगर थोड़ा ड्रेस करने से यू फील गुड, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिविटी आती है। प्लीज़ थोड़ा मेहनत कीजिए अपने आप पे, अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, अपने स्किन पे, सब पे, तो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ वन ऑफ माय टिप। यू मस्ट स्पेंड टाइम विद पीपल यू लव। अगर आप अपने लोगों से, जिनसे आप प्यार करते हो, उनके साथ वक्त नहीं बिताओगे, तो फिर आप बाद में सोचोगे कि काश मैंने ये क्यों नहीं किया था। तो अपने लोगों से वक्त बिताना बहुत अच्छा रहता है, उनके साथ यादें बनती हैं और मज़ा भी आता है और प्यार भी बढ़ता है, तो ये सब ज़रूर कीजिएगा। साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए,
चाहे आप चुपचाप बैठ जाएं आंख बंद करके, मगर किसी से बात न कीजिए, कुछ देखिए ना, और अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए। उससे अंदरूनी एक खुशी महसूस होती है, और आप जब आंख बंद करके बैठते हो तो ऊपर से एक कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है आपके बॉडी में, जो आपको चार्ज करती है। ये आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप बैठेंगे, और उससे आपको एक शक्ति मिलती है, एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है जिसको कहते हैं। तो आप ज़रूर बैठिएगा, इससे आपको खुशी महसूस होगी और सबके साथ आपकी शांति बनी रहेगी। आप एकदम काम और पीसफुल हो जाओगे और आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। डू अ गुड डीड, किसी के लिए अच्छा करने से अपने को खुशी मिलती है। चाहे कोई बूढ़ा औरत या आदमी रोड क्रॉस करता हो तो आप गाड़ी से उतर के उन्हें हेल्प कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। या कोई कुत्ता जा रहा है रास्ते पर, उनको उनके पैर में लगा हुआ है, तो आप उनको हेल्प कीजिए, आपको जो अच्छा लगे। कोई बच्चा जा रहा है गिर गया तो उतर के उनको उठा सकते हो, या बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, कोई बुज़ुर्ग आदमी या औरत खड़े हैं तो प्लीज़ उनको बिठाइए। हम खड़े हो सकते हैं, हम जवान हैं तो खड़े हो सकते हैं, अगर आप बुज़ुर्ग हो तो दूसरी बात है, मगर अगर आप यंग हो तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। इससे आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि दूसरों को करने में जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ डू अ गुड डीड, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। सबको माफ़ कर दीजिए और अपने आप को भी। माफ़ करने से आप छोटे नहीं होते, और आपका मन हल्का होता है, दिल हल्का होता है, और आपको एक लाइट फीलिंग आ जाएगी, जैसे कि आपने अपना एक्सेस बैगेज ड्रॉप कर दिया है। तो प्लीज़ सबको माफ़ कर दीजिए, उससे आपको बेहद खुशी मिलेगी। मैंने ऐसा बहुत बार किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कीजिए। कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, स्टे हैप्पी।